प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी, रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। ये मजबूत रहना चाहिए। वैसे खुड़ा, आपने लाल की तो बात ही निराली है। जितना अच्छा योद्धा है उतना अच्छा गुरु भी है। अगर पूरे भारतवर्ष सभी क्रांतिकारी संगठन एकजुट होकर, एक मत होकर इस योजना को अंजाम दे, आजादी उसे दिन मिल जाए। पवन, हमारा पैगाम लेके उस संगठन तक तुम ही जाओगे। और मेरी ओर से इतना ही कहना कि हमारे सेनाध्यक्ष आपके ही साथ हुआ करें। जी। पर मेरा नाम मत बताना। दास, वो पहाड़ी रास्ता देख रहे हो? हाँ, बड़ा ही आसान रास्ता मालूम होता है। नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? ठीक है, फिर तो रास्ता खराब होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि अब हम उसी रास्ते से चलेंगे। हाँ ठीक है, तुम उधर खतरा भी तो कम होगा ना? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, खतरा हर जगह है, पुलिस का ना ही सही, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का ही हो सकता। तो फिर चले इधर से। हाँ चले। भागो। निका, क्या हुआ? चलो चुप, चुप कर। रेखा, तुम ठीक हो ना? दास, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रेखा, तुम्हारे हाथों से बहुत खून बह रहा है। बस थोड़ा सा है, तुम बस पुलिस वालों को देखो। अभी ये सब वक्त नहीं है, हमें यहाँ से भागने में भलाई। चलो चलो रेखा, चलो भागो। कितने बाकियों को मारा? सर, अभी कुछ अंदाजा नहीं है, हमारे सिपाही ऊपर गए। लेकिन मैंने सुना है कि अगर कोई ऊपर जाता है तो वापस नहीं आता। सॉरी सर, सर मेरे कहने का मतलब था कि हमारे सिपाही पहाड़ी की तरफ गए। मतलब तुमने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? सर सुनी ना मैंने। हो सकता है कि सर हमारे सिपाहियों ने बागियों को मार गिराया हो। वैसे इतना भरोसा है तुम्हें अपने उन ब्लडी इंडियन सिपाहियों पर? हाँ सर, भरोसा कैसे नहीं होगा, हम हिंदुस्तानी अपना काम अपनी ईमानदारी वफादारी से करते हैं सर, और उसके लिए हम अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। पाठक, तुम्हें पुलिस में भर्ते हुए कितना टाइम हुआ? सर यही 5 या 7 साल से। You idiot! पुलिस में भर्ती हुए तुम्हें इतना टाइम हो गया, लेकिन तुम्हें सिपाहियों के बुलेट के साउंड में और बागियों के बुलेट के साउंड में फर्क नहीं मालूम। सॉरी सर, किसने भर्ती किया तुम्हें पुलिस में? गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सर हो सकता है कि मुठभेड़ हुई हो और हमारे सिपाहियों ने बागियों को मार गिराया हो। नो, आखिरी गोली सिपाहियों की तरफ से नहीं, बागियों की तरफ से चली थी, और तुम्हारे जो सिपाही अपनी जान की बाजी लगाने गए थे सबके सब मारे गए। कोई भी लौट कर नहीं आने वाला। सर अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर।
तो क्या और सिपाही बोला? वैसे भी जो सिपाही मारे गए वो किसी काम के नहीं थे। विकास कर वो तुम्हारा विष्णु राम। नहीं सर, विष्णु राम नहीं मरा है। बट ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर, जब हमारे सिपाही मुठभेड़ के लिए पहाड़ी पर जा रहे थे तब विष्णु राम घर निकल गया था। बट क्यों? सर वो खुद खाना खाने और हमारे लिए खाना लेने गया था सर। तो तुम भी उसके साथ क्यों नहीं चले गए? सॉरी सर। साहब, मैं जसर में जा रहा था तो मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। सर 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 प्लीज सर, अपना ही आदमी है सर। सर प्लीज सर। वैसे भी मैं तुम पर अपनी बुलेट वेस्ट नहीं करना चाहता। इडियट। विष्णु राम, तुम खाना लेने गए थे, खाली हाथ कैसे आ गए? सर मैं अभी भी घर जा रहा था तो गोली की आवाज सुनाई दी तो मैंने सोचा पहले आपको बता दूं। सर क्यों, हम लोग बह रहे हैं? Please keep quiet! तुम लोगों में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची आई तो जाओ झुंडो जाके वहां जिस जगह पे गोलियां चली, शायद अभी भी वहां पे कोई एविडेंस मिले। गो सर। I said go! सर। रेखा, क्या हुआ ये, कैसे हुआ? कुछ नहीं कहो, आप तो जानते ही हैं, कभी कभी कुत्तों के शिकार से घरों चाहे जाते। तुम ठीक तो हो? हाँ, और ये दास तो ठीक ही होगा, कोई मुठभेड़ में सामना करता तो है नहीं। नहीं, बस यूं ही समझ लो कि इसने ही मेरी जान बचाई। हाँ, वैसे रेखा की ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे भी दास की बहादुरी पर कोई शक नहीं है। रेखा भाई देव, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, कैसे हुआ? वो सब छोड़िए, मैं ठीक। आप लोग ये बताइए कि क्या खबर लाए? खबर ही नहीं बल्कि पूरी खुशखबरी लाए हैं। क्या मतलब? हमें आपसे किसी को मिलवाना है। किसे? शक्ति वाहिनी का ही सदस्य है। मतलब हमारा ही अभिन्न अंग दूसरी शक्ति वाहिनी का सदस्य। और उसको लेकर आओ। इसका मतलब ये उस शक्ति वाहिनी की बात कर रहा है जो हमारे नाम पे कारनामे कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा बाईदू। शक्ति वाहिनी की दूसरी शाखा का शक्ति वाहिनी की मुख्य शाखा को प्रणाम। ये कौन सी दूसरी शाखा बन गई हमें बिना गठित किए? आपका प्रश्न उचित है, हमें भी बहुत हैरानी हुई थी ये सब जानकर। लेकिन जब हमारे सेनाध्यक्ष ने हमें बताया कि एक बड़े पुलिस मुठभेड़ में हमारे क्रांतिकारी भाई बहन शहीद हो गए और जो बचे कुचे थे वो भागा दौड़ी में बिछड़ गए, पहले तो उन्होंने आप लोगों को बहुत ढूंढा, उसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि सारे मारे जा चुके हैं, और उसके बाद कुछ दिन के शोक मनाने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई
और फिर शक्ति वाहिनी के नाम को जीवित रखते हुए एक नई सेना तैयार की। और जैसे ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि आप सब सकुशल हैं, तो आपसे भेंट करने की प्रार्थना की। उस मुठभेड़ में शहीद हुए लोगों में से कोई जिंदा है, यह तो बहुत खुशी की बात है। और उससे भी खुशी की बात है कि उसने शक्ति वाहिनी का नाम रखने का प्रयास किया। कौन है तुम्हारे अध्यक्ष? माफ कीजिए, पर मैं उनका नाम अभी नहीं बता सकता। मुलाकात तक नाम गुप्त रखने का आदेश है। ये जिस तरह की बातें कर रहा है, इससे तो लग रहा है कि वो कोई और नहीं लाल है। अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, पता करना पड़ेगा। पर ये ऐसा भी तो हो सकता है ये पुलिस या फिर किसी दुश्मन की ताल हो। बात तो ये ठीक कह रहा है, लेकिन हम अगर हर कदम फूक फूक कर चले तो कोई खतरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माफ कीजिए, आप चाहें तो क्रांतिकारी होने की कोई भी परीक्षा ले सकते हैं, जो भी शक्ति वाहिनी के अनुसार तय हो। ठीक, तुम उन्हें लेकर आ सकते, पर ध्यान रहे हमारे गुप्त चोरों से तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार की चालाकी की खबर है तो स्वागत गोलियों से किया जाए। बुढ़ा, आप लोगों का खाना लग गया, आ जाइए। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, ये कोई और नहीं लाल ही है। पर इसे इतनी आसानी से इतना बड़ा संगठन मिला कैसे? कहां से जुटा लिए इतने सारे लोग और कहां से हिम्मत जुटा ली इसने? चले चाचा, खाना खा ले। खा लेंगे। पहले ये बताओ, भवन आया? हाँ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। बोरा, और कैसा रहा सब कुछ? सब कुछ बढ़िया रहा, मिलने को भी बुलाया। बहुत खूब। अच्छा, अब तो उनका अभी सेनाध्यक्ष कौन है? ठीक से कह तो नहीं सकता, पर अतनु ही है उनके सेनाध्यक्ष। बाकी के लोग? लाल कुछ भी मत सोचो, जब मिलोगे तब देख लेना। अभी खाना खाओ और पवन को दो रोटी ज्यादा खिला देना, क्योंकि अच्छी खबर लेकर आया। ये तो बिल्कुल सही बात बोली। चलिए चलिए। अगर ये लाल का बच्चा रेखा से मिल गया तो मेरी बनाई हुई गलतफहमियां दूर हो जाएगी और रेखा फिर से मेरे हाथ से निकल जाएगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुझे मरना होगा लाल। बाप पवन, तेरे नाम के तो बड़े चर्चे हैं संगठन में। मजाक मत कर यार। अरे हाँ, सच बोल रहा हूँ। कल रसोई में मैंने लड़कियों को तेरे बारे में बात करते हुए सुना। सही? क्या क्या कह रही थी? यही कि पवन कोकाई देव बड़े बहादुर हैं। कोकाई दू का मुझे? हट।
फालतू बात कर। अरे कसम से कौन हो भाई? मैं भी तुम्हारी तरह क्रांति भी रोजी तुम्हारे सेनाध्यक्ष से मिलना है। किस सिलसिले में? कहिए आपकी क्या मदद कर सकते? जी वो हम सिंध से पुलिस हमें काला पानी भेज रही थी तो हम उसी दौरान फरार होकर यहां आ गए। कौन है तुम और तुम्हें यहां का पता किसने दिया? ओ जी मेरा नाम बलदेव सिंह है। मुझे यहां का पता किसी ने नहीं दिया जी। मैं तो हफ्तों से यहां हुआ भटक रहा था, आपके आदमी लोग दिखे और उनके पीछे आ गया। और वैसे भी जी एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी का अड्डा पता चली जाता है। आपका शक्तिवाहिनी संगठन में स्वागत। गौरी देखो हमारे मेहमान काफी थके हुए लग रहे, इनके नहाने कपड़े और विश्राम की व्यवस्था करो, बाकी बातें हम आराम से। ये आपको भूख भी लगी होगी, मैं आपके लिए भोजन के बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है चलिए। शुक्रिया जी। कुकाई दियो। आपको पूर्णिमा दीदी बुला रही है, दो क्रांतिकारी लड़के आए हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें जाके बोल दो कि मैं आ रहा हूं। अरे बंधु यहां कैसे? और जी मैं नदी देखने आया था जी। अच्छा अच्छा, वैसे भी टहलना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाँ जी, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। बड़ी खूबसूरत जगह जी। चलो मैं तुम्हें अड्डे पे मिलता हूँ। चलो जी। चाचा ये बालक तो काफी कमजोर मालूम होता है। अभी किशोर हैं, अगर इन्हें क्रांतिकारी का प्रशिक्षण मिलेगा तो परिपक्व हो जाएंगे जी। जोश तो है इनका, पर बाकी चीजें इनकी काबिलियत पर निर्भर करेंगी जी। देखो तुम लोगों को अब जितनी हो सके उससे ज्यादा मेहनत करो जी। ठीक भी है, अगर आए दिन हमारी गिनती ऐसे ही बढ़ती गई तो और क्या चाहिए। लाल केवल गिनती नहीं बढ़ानी है, इनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षण भी देना है। सो तो है। हाँ मजा तो तब आएगा जब दोनों शक्तिवाहिनी एकजुट होकर
एक बड़ा संगठन बन जाए। बिल्कुल जी चाचा, उनकी प्रशिक्षण व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है जी। मैंने भी अपनी प्रशिक्षण वहीं से ली थी। देखा सर, गौरी तुम दोनों जाके बाहर की परिस्थिति देख के आओ। जी दे हो। मैंने सुना है उस दूसरी शक्ति वाहिनी शाखा में मेरी नोबो भी है। जाके अपने काम कर। ठीक है जा रही हूँ, लेकिन आप भी एक वादा करो, जब भी वो मिलेंगी सबसे पहले आप उन्हें मुझसे मिलवाओगे। ठीक है अब जाए सर। बेटा सब कुछ ठीक है ना? हाँ चाचा, मैंने गौरी और पवन को अभी भेजा था आपके लिए, आपके पास। आप जरा देख के आइए। ठीक है। देवता ने कौकायदेव के यहाँ ना होने पर तुम्हें अपना उत्तराधिकारी तक मान लिया था। जिस हाथ चावी दी उसी हाथ लूट, पर तुम्हें अभी जीने का कोई हक नहीं है। लिखा है जो वो ही होना है, खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है